प्रशासक वो होता है जो अपने व्यक्तिगत धर्म, अपने व्यक्तिगत बातों को अपने प्रशासन में ना लाए। आप यदि नेगेटिव शुरू से रहे तो आप नेगेटिव दिख जाएंगे। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक बार एक गोल्ड मेडलिस्ट पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू कैंडिडेट से इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उसने नेचुरली इंटेलिजेंट था तो उसके पास जवाब तो है ही हबन, और बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा था। एक मेंबर ने जानबूझकर उसमें कॉन्फ्लिक्ट कर लिया। अब टेस्ट उसके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, अब टेस्ट देखो किस चीज का है। उसको कहा कि आप जानबूझ करके बोर्ड का टाइम खराब कर रहे हैं, आप गलत आंसर दे रहे हैं। तो एक बार तो बोला नहीं सर मैं आंसर बिल्कुल सही दे रहा हूं, थोड़ा इरिटेट हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर उसने जानबूझ के, फिर मेंबर जानता था कि सही आंसर दे रहा है लेकिन जानबूझ के बोल रहा है नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, आप गलत आंसर दे रहे हैं। तीसरी बार जब बोला तो कैंडिडेट इरिटेट होकर बोला, सुनिए सर आपको मैं 3 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकता हूं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ठीक है, तो मेंबर ने कहा यस आई विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर दिस इंटरव्यू। ठीक है, मेंबर ने कहा कि इंटरव्यू के बाद आपसे मैं कॉन्टेक्ट करूंगा, आपसे पढ़ने आऊंगा, हो गया काम खत्म। एक छोटे से उसको एटीट्यूड टेस्ट ही तो था। जब इंसान बहुत पढ़ा लिखा होता है तो उसमें बर्दाश्त की ताकत नहीं होती, दो बार उसको क्वेश्चन कर दिया, चाहे उसका जूनियर ही पूछ रहा है सर बताइए कैसे है, या किसी सीनियर पूछा, तो इरिटेट हो जाएगा, तुम मुझे सिखाओगे। अब ये अपने आप में एटीट्यूड हो गया जिसको। तो हर चीज का आप कितना कूल काम रहोगे, कितना पॉजिटिविटी रहे, कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन में ही टेस्ट होता है कि किस सिचुएशन में आपको डाल दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा टेस्ट किस चीज का ले लिया। एक और इंटरव्यू की आप इंटरेस्टिंग सुनाता हूं। वो साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो इंटरव्यू में गए, उसके बाद उनको पूछते पूछते लास्ट में मेंबर ने पूछा कि कैन यू एनालाइज अवर पर्सनालिटी, वी ऑल गोल्ड मेंबर्स, उन्होंने पूछा क्या आप हमारे व्यक्तित्व के बारे में कुछ एनालिसिस करना चाहेंगे, तो बोला नो सर इट्स रिस्की आई वोंट डू इट। अच्छा, तो बोला नहीं 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 आप कीजिए, कोई रिस्क वाली बात नहीं है, बोलिए। अब एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना जो मैं पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या गड़बड़ी हुई। बोला तो बोला उसने फिर क्या किया कि हर मेंबर की पर्सनालिटी उसने बताना शुरू कर दी, आपकी पर्सनालिटी में है, आपकी पर्सनालिटी में है, चेयरमैन को भी बोला, सारे लोग ठहाके मार के हंसने लगे। अचानक मेंबर ने अचानक सीरियस हो गया चेयरमैन और बोले ओके यू मे गो मच। अब अचानक हंसते हुए माहौल में जो है वो उनको बोला कि आप जाइए। जाने के बाद वो भी उठे हंसते हुए चल पड़े बाहर। जब गेट के पास पहुंचे तो उनको ध्यान आया कि मैं एक मेरे हाथ में फाइल है जो मैं लेके जा रहा हूं, मैं अंदर तो लेके आया नहीं था, किसकी फाइल उठा ली मैंने, ये फाइल किसी उठा ली। और अचानक नर्वस हो गया, फिर उधर से मुड़ कर आया। इतने देर में सारे मेंबर सीरियस हो गए और बड़ा नर्वस होकर बोला सॉरी सर मैं गलती से फाइल ले जा रहा था, वो छोड़ करके चला गया। अब इसमें गलती क्या हुई मुझे ये बता दो, इस पूरे इंटरव्यू के अंदर में जो टेस्ट था क्या 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 क्या, क्या मिस्टेक हुआ। एक बात तो यही, और बताइए, इन्होंने कुछ कहा जोर से बोलिए, क्या बताए, फाइल उन्हीं की थी तो उसमें गलती क्या हुई जो एज ए कैंडिडेट, प्रेजेंस ऑफ माइंड और और क्या नहीं आना चाहिए था, फाइल देने नहीं आना चाहिए था, और बताइए। देखो जो सबसे बड़ा जो सबसे पहला टेस्ट उसका क्या हुआ, ही इज ए गोल्ड मेडलिस्ट इन साइकोलॉजी राइट, तो जो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट ही तो हो रहा है। आमतौर पे सबसे पहला मिस्टेक पहले देखो उसने क्या कहा कि आप हमारे पर्सनालिटी के बारे में बताइए, पहला मिस्टेक उसने क्या किया, उसने क्या कहा नो सर इट इज रिस्की, क्या कहना चाहिए था उसको, नो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम काम करने क्या गए, मैं इंटरव्यू लेने गए हैं या देने गए हैं, अरे आप इंटरव्यू वहां देने गए हैं या उनका इंटरव्यू लेने गए हैं, पहला टेस्ट आप वायलेशन ऑफ योर ड्यूटी एंड प्रायोरिटी आप चेंज कर दिया आपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद, चूंकि जो आदमी ज्ञानी होता है वो बिना कारण का सजेशन देने लग जाता है, कोई मांगे या ना मांगे मे आई हेल्प यू और सजेशन, और यदि ज्ञान हो तो रोक नहीं पाता इंसान, सोचता है कि मैं तो इसकी पर्सनालिटी में अपने से ज्यादा इनका असेसमेंट कर दूंगा, जो उसको नहीं करना था उसको तो सिंपल करना था नो सर थैंक यू वेरी मच आई डोंट वांट टू एनालाइज। ठीक है, लेकिन उसने क्या नो सर इट्स रिस्की, इसका मतलब रिस्क हटा दें तो एनालिसिस करेगा। एक सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल गया, नो सर इट इज रिस्की, रिस्क का मतलब हमने आपका फियर खत्म कर दिया तो आप कर लोगे राइट।
अब एनालिसिस शुरू हो गई, सारे लोग ठहाका मार के हंसने लगे। सबसे पहले इंसान से गलती क्या होता है, जब कोई नर्वस हो, टेंशन में हो या बहुत खुश हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो आम तौर पे ये आदत होती है, ध्यान से गौर करना मैं क्या कह रहा हूं, आप अपना पेन किसी पेन में रख दोगे पॉकेट में, या उसका पेन उठाकर अपने पास रख लोगे जब एक्साइटेड हो, या किसी का किताब उठा के चल दोगे, या अपना सामान छोड़ जाओगे, कुछ ना कुछ आप उलट पलट कर देंगे जब आप ओवर एक्साइटेड होंगे। आमतौर पर आदमी खूब जब हंसता रहता है ना, तो किसी न किसी सामान को उठा के चल देता है, और उसने वही काम किया, इतना एक्साइटेड था कि उसने फाइल आराम से, किसी मेंबर ने जब इधर बात कर रहा था धीरे से फाइल आगे बढ़ा दी, उसने फाइल उठाए और चल दिया। चलने के बाद वो भी हंसता हुआ बाहर जा रहा था, तो जो आदमी जितना एक्साइटेड होगा उतना नर्वस भी होगा, होना ही होना है उसको। वो जैसे गेट पे गया उसको लगा मेरा तो ये है ही नहीं, नहीं है तो उसको ध्यान आया, ओ तो पकड़ा गया मैं, गलत हो गया, तो वो वापस करने आया। अब नर्वस हुआ वो दूसरा प्रॉब्लम था उसका, एक्साइटेड हुआ वो पहला प्रॉब्लम था, नर्वस हुआ दूसरा प्रॉब्लम था, और उससे पहला प्रॉब्लम था कि बिना कारण आप इंटरव्यूअर के साइड में चले गए। यू गॉट द पॉइंट? करना क्या चाहिए था, पहले तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना था, राइट? यू कैन, दैट इज द वे, हाउ टू से नो इज एन आर्ट, हाउ टू से नो इज एन आर्ट। यस मैन इज ऑलवेज इन प्रॉब्लम, हमेशा यस करने की जो आदत हो तो वो प्रॉब्लम होना ही होना है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप किसी डीएम से मिले जाओ, एसपी से मिले जाओ, 90% तो नो ही बोलेगा आपको, बट बोलेगा कैसे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके आपका कॉन्फिडेंस भी खराब ना है, उसको कॉन्फिडेंस भी खराब, चूंकि आपके पास पावर के लिमिटेशन है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, हर चीज़ का आप हाँ कैसे कर दोगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी क्वालिटी का टेस्ट है कि आप बिना किसी का कॉन्फिडेंस खराब किए हुए कैसे किसी को नो कर सकते हो, ये भी आपको टेस्ट करना है ना। हर चीज में क्या होता है कि नहीं हम आंसर दे देंगे, हर बॉल छक्का मारने के लिए नहीं होता क्रिकेट में, है कुछ बॉल जिंदा रहने के लिए भी होता है, कुछ एक रन के लिए होता है। तो लाइफ की हिस्ट्री, लाइफ का जो एजुकेशन क्या कहता है कि यू शुड बी नोइंग वेयर टू से यस और वेयर टू से नो, राइट? तो ही वॉलेटेड दैट थिंग, ही शुड हैव सेड नो। आमतौर पर इस लोग इंसान सोचता है कि जब क्वेश्चन पूछ दिया तो आंसर तो देना ही पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा? हाँ तो वो तो उनका तो काम ही है, वो तो काम, बैठ जाओ, वो बैठ जाओ, बताता हूँ आपको। वहां जाओगे तो आपको ये भी पूछेंगे, वो चाय कॉफी पी रहे होंगे, बोले चाय पियो, अब पता चला अभी गड़ागड़ पी रहे हैं। उनका तो काम ही पूछना जो है कि चाय पी लो, पानी पियो, तो वहां तुम कोई बारात में थोड़ी गए हो वहां। डिप्लोमेटिक की जरूरत नहीं, हमेशा हमारे पास चॉइस है, नो सर थैंक यू वेरी मच, दैट्स इज इनफ। आपने हमें चॉइस दिया, थैंक यू किया, नो। आमतौर पे क्या होता है, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा टेस्ट किया जाता है, हम भी जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ऐसे टेस्ट करते हैं, जानबूझ कर उनको पूछे चाय पियो, नहीं पियो पियो। अब उसका एक दूसरा घटना सुनाता हूँ, इंटरव्यू का भी, इसी साल की घटना, बैठ जाओ। एक कैंडिडेट वहाँ इंटरव्यू पहुंचे, बाई चांस वो भी लड़की थी, तो इसलिए तुमको सुना देता हूँ। तो उसके बाद उसको क्या कहा कि एक सवाल पूछा सलाल में, वो नर्वस हो गई, नर्वस होने के बाद उसको भूल ही नहीं पाई, वो बार बार जो है दूसरे मेंबर से बात करे और दिमाग उसका वहीं चल रहा था। अब फेस इंडेक्स बता देता है कि आप यहाँ हैं या पिछले क्वेश्चन में, चेहरे की रीडिंग बता देगी आपको। तो अचानक एक मेंबर ने बोला आई थिंक सी नीड्स वाटर, इनको पानी पिलाओ। तो उसने बोला यस सर आई नीड वाटर, तो उसने पानी उठाना शुरू किया। तो जैसे ही ये मुंह के सामने लाए, दूसरे ने कहा नो 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 यू डोंट नीड वाटर, उसने फिर पानी वापस रख दिया। तो ये जो नर्वसनेस और कन्फ्यूजन का जो टेस्ट है, ये जानबूझकर कई बार छोटी छोटी हरकतें करके कि आप एक कह रहा पानी, अरे ले लिया तो पी लो, तो उसने कहा नो नो सी डज नॉट नीड, यस सर आई डोंट नीड। तो ये जो सिचुएशन है बेसिकली, ये अभी जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लागू हुआ है, बेसिकली ये मैं आर्ट ऑफ सक्सेस से पहले ही 4-5 साल से कर रहा हूँ कि आपके अंदर ऑलरेडी एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का, तो कहीं उसका असर खराब होना ही नहीं है। पहले यू आर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर बिफोर यू आर राइट द आंसर, आर यू गेटिंग? तो दूसरा मिस्टेक उससे क्या हुआ, ही शुड नॉट हैव बीन एक्साइटेड। जब एनालिसिस कर भी दिया तो नॉर्मल बोलता, वो लोग हंस रहे हैं तो आपको ठाके मारने क्या जरूरत है, आप नॉर्मल रहो। कहने का मतलब है यदि मेंबर हंस रहे हैं तो यू शुड जस्ट स्माइल, एट द मोस्ट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट स्माइल, यू हैव नो राइट टू लाफ विद देम ठाके मार के। आमतौर पर क्या होता है कि बड़े बड़े लोगों के बीच में चले गया, वो हंस रहे हैं तो मौका मिला और हंसी लो। ये जो सिचुएशन है ये नहीं होने। तीसरी चीज, यदि मिस्टेक हो ही गया, फाइल ले लिया, तो दोबारा शक्ल दिखाने की जरूरत क्या थी, वो लेके बाहर जा देता, बाहर में पीएन था उसको दे देता, सॉरी इसको अंदर दे देना, तो दैट हैव गोन लाइक ऑफिसर लाइक।
ऑफिसर लाइक बिहेवियर कि जब ऑफिसर है गलती से फाइल ले गया तो खुद वापस करने थोड़ी आएगा, फिर अपने स्टाफ से भेजेगा. तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग विच मैटर अलॉट. तो जो टेस्ट है बेसिकली, इसलिए मैंने कहा यह नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये सारे आंसर से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया. आर यू नोइंग अबाउट इट?